हेलो दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आपका स्वागत है। ये हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स का ट्यूटोरियल 6 है, जिसमें हम कुछ टैग के बारे में बात करेंगे और इस टैग को डिफाइन करेंगे कि इस टैग का यूज़ कैसे करते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, और इसके रिजल्ट को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आप आसानी से क्लियरिफाई हो जाएंगे कि इसका यूज़ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कैसे करना है। तो चलिए हम अपने पहले सुपर स्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है और इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ डिफिनीशन लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। यहाँ से हमने टेक्स्ट को क्लिक किया और यहाँ पे हम लिखते हैं, एक सेकेंड, ये सुपर स्क्रिप्ट, एस को हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम इसको चलिए ब्लैक कर देते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के बारे में देख लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ आप लिखना चाह रहे हो, कोई टेक्स्ट है, एक सिंपल में टेक्स्ट है, मान लीजिए इस तरह है, जैसे वेलकम हो गया, ठीक है, ये वेलकम हो गया। और इसमें मान लीजिए आपको टू लिखना है, तो जो इस तरह आप टू लिख रहे हैं तो बेसिकली इसके सीध में ही आ जा रहा है, जो इसकी जितनी हाइट वेलकम की, वेलकम वर्ड का है, एकदम सेम हाइट टू का भी है। और सुपर स्क्रिप्ट का हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, उसमें भी सेम हाइट होगी, लेकिन जो ये टू का पोजीशन है और ये जो वेलकम है इसके ठीक ऊपर आ जाएगा। यानी जैसे वेलकम जो लिखा हुआ है और इसके ऊपर थोड़ा सा जो टू है यहाँ पे दिखेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। मान लीजिए आपको ए प्लस बी का फार्मूला लिखना हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आप इस तरह लिखें ए प्लस बी, और इसको सुपर स्क्रिप्ट बनाना है स्क्वायर लिखने के लिए। तो अभी स्क्वायर इस तरह से सिंपल से दिख रहा है, इसके सीध में ही दिख रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारे पास सप नामक टैग है, SUP, और इसको ओपन करेंगे और इसे बीच में एलिमेंट देंगे, जिसको भी सुपर स्क्रिप्ट करना है हमको, और इस टैग को क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली इसको देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, उसके बाद इसके हम एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो द कंटेंट ऑफ अ, और हमने यहाँ पे सब को ओपन किया और इसके बीच में एलिमेंट देंगे जिसको हमको सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, और इसको हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिखा एलिमेंट इज रिटेन इन सुपर स्क्रिप्ट, और इसको लिखा द फॉन्ट साइज। देखिए फॉन्ट साइज होता है कि जो फॉन्ट साइज होता है दोनों का सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा जो जिसको सुपर स्क्रिप्ट बनाना है उसका थोड़ा सा वो हमारा ऊपर हो जाएगा, जो नेक्स्ट जो सिंपल सा टेक्स्ट है उसके ठीक ऊपर हमको सुपर स्क्रिप्ट वाला पोजिशन शो होगा। द फॉन्ट साइज यूज इज द सेम साइज एज द कैरेक्टर सराउंडिंग इट, बट इज डिस्प्लेड, यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, कॉमा दे दिया, डिस्प्लेड हाफ, यानी छोटा दिखेगा, अ कैरेक्टर कैरेक्टर हाइट एबव द अदर कैरेक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक अभी भी गलत है, अब सही हुआ, इसको हम एक प्रॉपर वे में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सुपर स्क्रिप्ट की जो डिफिनेशन हो गया, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, चलिए हाईलाइट बाद में करेंगे, और इसको अब हम देख लेते हैं कि क्या हो गया अब इसको, लेकिन वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब स्क्रिप्ट को भी देख लेते हैं कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है।
तो दोस्तों सब स्क्रिप्ट जो सेम एकदम ऐसे ही होता है जैसे सुपर स्क्रिप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो सब सुपर स्क्रिप्ट है जो टेक्स्ट होता है जो ऊपर शो होता है, और जो सब स्क्रिप्ट है वो हमारा जो एक सिंपल सा टेक्स्ट होगा उसके नीचे शो होगा। जैसे मान लीजिए आपको H2O लिखना है, ठीक है, तो ये जो हमारा H2O जो हमारा A2 दिख रहा है इसको एकदम सेम हाइट एकदम H जैसा ही होगा, लेकिन जो 2 है टू की पोजीशन थोड़ी सी नीचे होगी, यहाँ पे ए यहाँ पे होगी। तो आप देख रहे होंगे कि केमिकल फार्मूला में जो जितने फार्मूले होते हैं लगभग जो सबस्क्रिप्ट का यूज किया होता है। तो इसको हम एस्टिमेट डॉक्यूमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो सबस्क्रिप्ट का डिफिनेशन भी देख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट का डिफिनेशन क्या होता है। तो बेसिकली एकदम सेम ऐसे ही होगा, और तो सब स्क्रिप्ट का हो जाएगा द कंटेंट, द कंटेंट ऑफ सब, और इसके बीच में एलिमेंट देंगे जिसको हमको सब स्क्रिप्ट बनाना है, और उस सब एलिमेंट को सब टैग को क्लोज किया, और उसके बाद है एलिमेंट, मिस्टेक हो जाएगी स्पेलिंग, आप उसको सही कर लीजिएगा, इज रिटन इन स्क्रिप्ट। द फॉन्ट साइज इज द सेम एज द कैरेक्टर सराउंडिंग इट, बट इज डिस्प्लेड, यहाँ पे हम कामा लगा लेते हैं, बट इज डिस्प्लेड हाफ हाफ अ कैरेक्टर हाइट बीनीथ बीनीथ द अदर कैरेक्टर। अभी हमने जो सब स्क्रिप्ट के बारे में बताया सेम चीज वही जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप मान लीजिए आपको डिफिनेशन कहीं एग्जाम में लिखना हो गया, तो आप इस तरह अपना डिफिनेशन देख सकते हैं कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। अब इसके बाद जो हमारा नंबर है वो है स्ट्राइक टैग, कोई टेक्स्ट लिखे उसको स्ट्राइक कैसे करना है। स्ट्राइक का मतलब ये हो गया जैसे आपने जो स्ट्राइक टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरह हम अपने टेक्स्ट में स्ट्राइक करेंगे, इसके लिए हमारे पास स्ट्राइक नाम का एक टैग है उसको यूज करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि स्ट्राइक टैग तो है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो स्ट्राइक टैग क्या होता है, एनीथिंग दैट अपीयर्स appears within strike, और इसके बीच में एलिमेंट देंगे जिस टेक्स्ट जिसके ऊपर हमको स्ट्राइक टैग को यूज करना है, और इसके बाद एलिमेंट इज डिस्प्लेड और यहाँ पे डिस्प्ले होगा विथ स्ट्राइक थ्रू विच इज अ थिन लाइन। अभी देखने बताया कि एक पतली सी लाइन क्रिएट होगी टेक्स्ट के बीचों बीच से थ्रू द टेक्स्ट। अभी हमने जो चीज
हमने हिंदी में बताया वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप इस अगर इसको कहीं यूज करना है, मान लीजिए कहीं किसी एग्जाम में, तो आपको लिखना होगा, तो इस तरह आप अपना लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि और थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। इसको बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ से उठाया इसको, और इसको ये हो गया, और यहाँ पे ये हमारा सब स्क्रिप्ट हो गया, और ये हमारा हो गया स्ट्राइक, यानी एक कोई टेक्स्ट है उसको स्ट्राइक कैसे करते हैं। स्ट्राइक का मतलब हो गया कि टेक्स्ट के बीचों बीच से एक लाइन क्रिएट करना है। तो इस तरह हमने तीनों को देख लिया कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, और किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक करना है तो उसके लिए किस टैग का यूज करेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में आप इसका यूज करेंगे एक अच्छे वेब पेज बनाने के लिए। और इसका यूज हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसको हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में भी देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है। तो इसके लिए हम अपना वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर ऑन कर लेते हैं। इसको हमने ऑन किया और यहाँ पे हम ये देखिए हमने टेक्स्ट एडिटर अपना ऑन कर लिया वीएस कोड को, और इसमें एक वेब डेवलपमेंट नाम का फोल्डर है और उसमें day6.html नाम की एक फाइल बनाया हुआ है, और इसमें हम अपने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक टेक्स्ट को कैसे करते हैं इसको करके देखेंगे। इसको करने के लिए पहले हमने यहाँ पे html को ओपन किया है, और इसका यहाँ पे html का क्लोजिंग टैग लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक हमने हेड का ओपन किया और यहाँ पे हेड को क्लोज किया है, और हेड के बीच में हमने टाइटल दिया है, और ये जो भी टाइटल देंगे आप ब्राउजर के टॉप पे आपको दिखेगा। हमने टाइटल दिया है कि वेब डेवलपमेंट क्लास day6, और इसके बीच में हमने एक पैराग्राफ लिया हुआ है वेलकम टू आजमगढ़। और इसको जब हम रिजल्ट को देखेंगे तो सिंपल से हमको एक पैराग्राफ दिखाई देगा। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और इसके बाद उस फाइल को ओपन करिए जहाँ पे आपको इसने एचटीएमएल फाइल को आपने सेव किया है। इसको हम देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। इसको रिजल्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा एक पैराग्राफ सिंपल सा वेलकम टू आजमगढ़। तो दोस्तों अब इस पर हम सुपर स्क्रिप्ट का जो वैल्यू जो इसका जो फंक्शन है यूज करेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए इसको हम सब नामक टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आइए हम आते हैं, हमने लिखा यस यू पी सब, और इसको ओपन किया, और इसको और इसके बीच में हम सिटी लिखते हैं, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया, सब को हमने क्लोज कर दिया। अब इसके रिजल्ट को देखेंगे तो जो वेलकम टू आजमगढ़ है उसके ठीक ऊपर थोड़ा सा सिटी आपको दिखेगा। तो इसको आप ऐसे रिजल्ट देखने के लिए सेव करिए कंट्रोल एस करके, और इसको रिजल्ट को देखते हैं। अभी तो आपका ये पुराना रिजल्ट शो हो रहा है वेलकम टू आजमगढ़, लेकिन अब इसके रिजल्ट को देखने के लिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे कि आप जो आजमगढ़ है इसके ठीक ऊपर सिटी दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सिटी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम जो सुपर स्क्रिप्ट का जो यूज़ करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इस प्रकार करते हैं। अब इसके इसको उदाहरण को और देखने के लिए एक और हम लेते हैं, यहाँ पे एक और हमने पैराग्राफ लिया, और पैराग्राफ में मान लीजिए लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, और इसको होल स्क्वायर करने के लिए हमने सबको ओपन किया और इसके बीच में दो लिखा और सबको हमने क्लोज कर दिया। अब इसके रिजल्ट को जब आप देखेंगे तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो आपको दो ऊपर दिखेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, अभी हमको रिफ्रेश किया हमने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे ए दिख रहा होगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे आप कॉपी पे लिखते हैं सेम उसी तरह एस्टिमेट डॉक्यूमेंट लिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको जो सब है उसको हटा देंगे तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आप उसको सबको हटा देते हैं। सबको जब हटा देंगे तो इसका रिजल्ट देखेंगे एक सिंपल सा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमने सबको हटा दिया और इसको हम स्क्वायर बनाते हैं होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के लिए हम इसको ऐसे ही सिंपल दो लिखते हैं और इसके बीच में एक हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसका रिजल्ट देखिए क्या आता है, इसके रिजल्ट को देखेंगे तो इस तरह दिख रहा है, जो कि एक इनटू का आपको सिंबल दिख रहा होगा, लेकिन हमको इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम वही यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सब, और इसको हमने सब को टैग को ओपन किया और इसके बीच में दो लिखें और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो इसको रिजल्ट को आप देखेंगे तो एक अच्छा सा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर
अच्छे से दिखेगा। तो इस तरह हम अपना देख लिए कि सुपर स्क्रिप्ट का यूज कैसे करते हैं। अब सब स्क्रिप्ट का भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिया और इसमें लिख देते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इसके ठीक नीचे हमको लिखना है, मान लीजिए इज अ कैपिटल, नहीं इसके नीचे लिख सकते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हटाइए, हम मान लीजिए केमिकल का फार्मूला लिखते हैं H2O। H2O लिखने के लिए हम यहाँ पे ऐसे हमने इसको लिखा और इसको जब सेव करेंगे तो एक सिंपल सा हमको पैराग्राफ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा H2O, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं है। इसको प्रॉपर वे में करने के लिए हम सब सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जो हमारा दो इसके सिद्ध दिख रहा है थोड़ा सा एच के नीचे आ जाएगा, तो इसको देखने के लिए हम सब का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम एडिट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सब और इसके बीच में वो लिखते लिखा हमने और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसके रिजल्ट को देखते हैं कि सर रिजल्ट कैसा आता है। यहाँ पे हमने दो नहीं लिखा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दो होगा और सबके बाद यहाँ पे ओ होगा। तो अब जो हमको आएगा H2O का फार्मूला शो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अभी तो आपको सिंपल साइज से ही दिख रहा है, लेकिन इस पेज को हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखिए यार जो जो दो था हमारा सीध में था वो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह हम अपने एस्टिमेट डॉक्यूमेंट में सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि किसी टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन ड्रा करना हो गया तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए अभी हमने बताया है कि स्ट्राइक का यूज़ करते हैं। स्ट्राइक टेक्स्ट को बनाने के लिए हमारे पास स्ट्राइक टैग नामक एक टैग होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि स्ट्राइक का यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक और पैराग्राफ लेते हैं, मान लीजिए एक पैराग्राफ ले लिया और इसको भी हम लिख लेते हैं, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया कि दिस इज अ हेडिंग। ये हेडिंग है नहीं, इसको हमने बेसिकली पैराग्राफ बनाया है। अब इसको देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या है। हमने सेव करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि दिस इज हेडिंग। अभी आप देख रहे होंगे एक सिंपल सा दिख रहा है, इसके बीचों बीच कोई लाइन ड्रा नहीं है, लेकिन इसके बीचों बीच हम एक लाइन ड्रा करने के लिए स्ट्राइक टैग नाम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ के जहाँ पे ओपन किया है यहाँ पे हम स्ट्राइक लिखेंगे, स्ट्राइक, और स्पेलिंग शायद गलत है, STRI, एक सेकेंड, STRIKE, स्ट्राइक, और यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया, इसको हमने क्लोज किया। अब इसको रिजल्ट को देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हमको आता है। तो अभी आप देखेंगे दिस इज हेडिंग ऐसे ही सिंपल सा है, लेकिन जैसे इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रा करेगा। इसको हम रिफ्रेश किया हमने, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिस इज हेडिंग है सिंपल था, सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ था, लेकिन इसको बीचों बीच एक लाइन ड्रा कर गया है। दोस्तों इस तरह हम अपने एस्टिमेट डॉक्यूमेंट में सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे और सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और एक स्ट्राइक टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को स्ट्राइक बनाने के लिए हम स्ट्राइक नामक टैग का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरह हम अपने एस्टिमेट डॉक्यूमेंट में इसका यूज कैसे करेंगे, इस प्रकार हम अपने वीडियो में इसको बताएं और इसको हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझाएं कैसे करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टैग के साथ, तब तक।